हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। बहुत सारे नए राइटर्स, डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स जो है उनको एक कॉमन तरह का डाउट रहता है, उस डाउट को मैं आज क्लियर करने वाला हूं। वो डाउट है कंट्रोवर्सीज को लेकर। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई फिल्म बनती है और उस फिल्म में कई तरह के कंट्रोवर्सीज हो जाते हैं। तो जब कंट्रोवर्सी होते हैं तो फिर उसमें उसका सामना किसको करना पड़ता है और उस कंट्रोवर्सी में दोष किस पर आता है, ये आप सभी सोचते हैं। राइटर पर आता है, प्रोड्यूसर पर आता है कि डायरेक्टर पर आता है या टीम में किसी और मेंबर पर आता है। तो देखिए, इसका जो जवाब है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आप राइटर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं या फिर आप प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक राइटर हैं तो आप जो भी लिख रहे हैं उसमें अगर कंट्रोवर्सी होगी तो आप क्या इसमें बीच में फंसेंगे, तो क्या आप पर दोष आएगा? अगर आप एक नए डायरेक्टर हैं तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि डायरेक्टर पर कितना दोष आता है। या अगर आप फिल्म मेकर है तो भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि किस पर दोष आता है, फिल्म मेकर पर आता है यानी प्रोड्यूसर पर आता है कि अन्य जो मेंबर्स रहते हैं जिन्होंने वो काम को किया है उस पर दोष आता है या एक्टर्स पर आता है, ये आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहकर जरूर जानिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको हमेशा इस चैनल पर मिलते रहते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर क्या है, यानी अगर फिल्म जो है वो किसी तरह की कंट्रोवर्सी में फंसती है तो दोष किस पर आता है? राइटर पर आता है, डायरेक्टर पर आता है, प्रोड्यूसर पर आता है या फिर किसी एक्टर पर आता है? तो देखिए, इसका जवाब यह है कि ये मेनली डिपेंड करता है उस कंट्रोवर्सी पर, यानी वो किस तरह की कंट्रोवर्सी है। तो यानी ये जो बात है ये डिपेंड करेगी कंट्रोवर्सीज पर, ये कंट्रोवर्सी टू कंट्रोवर्सी डिपेंड करेगी, किस तरह की कंट्रोवर्सी है ये इस पर डिपेंड करेगी। देखिए, मैं आप जान रहा हूँ कि आप लोगों को अभी इतने से समझ में नहीं आया होगा, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। जैसे अगर कंट्रोवर्सी जो है वो स्टोरी को लेकर के है, यानी राइटर ने कुछ ऐसा स्टोरी में लिखा है, स्क्रीन प्ले में लिखा है या स्क्रिप्ट में लिखा है जिससे किसी ग्रुप के भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो फिर जब भी इसके लिए कॉन्फ्रेंसिंग होगी तो उसमें राइटर को भी रहना पड़ेगा, इस पे दोष राइटर पर भी आएगा। उसी तरह से अगर कोई सॉन्ग है, किसी सॉन्ग में किसी गलत तरह की लैंग्वेज को यूज़ किया गया है या फिर उसके लिरिक्स में कुछ गंदे वर्ड्स का यूज़ किया गया है, वल्गर वर्ड्स का यूज़ किया गया है, तो ऐसे में जो दोष है वो आएगा लिरिसिस्ट पर, यानी लिरिक्स राइटर पर, जो सॉन्ग राइटर होते हैं उन पर। हालांकि जब इसके लिए कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस मीटिंग होगी, तो इसमें लिरिसिस्ट भी रहेंगे और जो फिल्म मेकर्स है वो भी रहेंगे, लेकिन आंसरेबल जो है वो आप ही रहेंगे। अगर आपने लिरिक्स में कुछ वल्गर लिख दिया है और इस पर कंट्रोवर्सी हो गई है तो फिर इसके जवाबदेह आप ही होंगे। और उस समय सपोज उस लिरिक्स को चेंज करने की बात होती है तो फिर आप ही को उसे चेंज करके देना पड़ेगा, या फिर स्टोरी को चेंज करने की, स्क्रिप्ट को चेंज करने की बात होती है तो फिर आप ही को उसे चेंज करके देना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि फिल्म के टाइटल को लेकर की भी कंट्रोवर्सीज हो जाती है। जैसा कि आपने कुछ दिनों पहले एक मूवी देखी होगी, लक्ष्मी, अक्षय कुमार जी की वो मूवी है, तो उस मूवी में जो टाइटल है वो आपको अभी जो टाइटल आप जान रहे हैं वो है लक्ष्मी, लेकिन सबसे पहले इस फिल्म का टाइटल रखा गया था लक्ष्मी बॉम्ब। तो इससे कंट्रोवर्सीज हो गई थी, लोग जो है वो भड़क गए थे कि हमारे देवी देवताओं के नाम के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो फिर बाद में मेकर्स ने इसके नाम को चेंज करके लक्ष्मी रख दिया। अब देखिए, ये टाइटल को लेकर के जो कंट्रोवर्सी है ये मेनली डिपेंड करती है प्रोड्यूसर पर, यानी फिल्म मेकर पर। तो इसमें मेनली जो दोष जाता है वो जाता है फिल्म मेकर पर। अगर कंट्रोवर्सी कुछ इस तरह की है कि फिल्म में कुछ वल्गर सीन्स का यूज किया गया है, राइटर ने नहीं लिखा है लेकिन फिर भी डायरेक्टर ने कुछ वहां पर ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ वल्गर सीन्स क्रिएट कर दिए गए हैं, तो ऐसे में जो कंट्रोवर्सी होगी तो इसके जवाबदेह होंगे फिल्म के डायरेक्टर। अब देखिए, ये सब जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया इससे आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये डिपेंड करती है कंट्रोवर्सी पर, किस तरह की कंट्रोवर्सी है और कौन इसके आंसरेबल होंगे, ये डिपेंड करती है। अब देखिए, जहां तक बात रही केस की, तो पब्लिक जो है वो केस करती है या फिर किसी ग्रुप के लोग जो है वो केस करते हैं, तो वो किसी पर भी कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी होती है, यानी वो उन पर डिपेंड करती है। कभी कभी एक्टर्स पर भी कर देते हैं जबकि एक्टर्स का कोई दोष नहीं रहता है, या कभी फिल्म मेकर पर कर देते हैं, ज्यादातर फिल्म मेकर्स पर ही करते हैं, यानी जो प्रोड्यूसर उस पर ही करते हैं। कभी कभी राइटर पर भी कर देते हैं, कभी कभी डायरेक्टर पर भी कर देते हैं, लेकिन राइटर, डायरेक्टर या फिर जो एक्टर्स है उन पर कम ही होता है। मेनली अगर आप देखें तो जो फिल्म मेकर है यानी प्रोड्यूसर है उन पर केसेस हो जाते हैं,
या फिर जो बड़े एक्टर्स रहते हैं उन पर हो जाते हैं, क्योंकि जो पब्लिक है वो उस फिल्म को उस बड़े एक्टर के नाम से ही जानते हैं। तो देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जवाब जो है वो मिल गया होगा कि कौन जो है वो आंसरेबल रहेंगे कंट्रोवर्सी के। तो कंट्रोवर्सी पर डिपेंड करेगी कि कौन इसके आंसरेबल है। अगर वो राइटर से रिलेटेड है तो राइटर आंसरेबल होंगे, डायरेक्टर से रिलेटेड है तो डायरेक्टर आंसरेबल होंगे, प्रोड्यूसर से रिलेटेड है तो प्रोड्यूसर आंसरेबल होंगे, और एक्टर से है तो एक्टर आंसरेबल होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।